नहीं, सूरज भान साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं। भगवान के लिए ऐसा अर्थ मत कीजिए। हमारे बाबूजी को देखिए, इन्हें लकवा मारा हुआ है। हम ऐसी स्थिति में अपने अपाहिज बाप को, अपनी दादी, अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे? भगवान के लिए ऐसा अर्थ मत कीजिए, ऐसा अर्थ मत कीजिए सूरज भान साहब। तो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन अपनी बहन गौरी से कहो कि वो हमारी हो जाए। रुझान साहब, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमारी शर्त आप नहीं मानो? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा सूरज भान। शायद तुम भूल रहे हो कि पुलिस वाले और हमारे आदमी नीचे हैं। एक इशारे पर तुम्हारे घर का सारा सामान और तुम लोगों को बाहर निकलवा देंगे। आई बात समझ में? सूरज भान, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बबलू जी, एक मिनट। सूरज भान जी, हमारे बबलू जी ना बहुत भोले हैं, अरे सही ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। सुनिए, आप जाइए, हम बात करते हैं सूरज भान जी से। चलिए। अब तुम हमें कौन सी नई कहानी सुनाने जा रही हो कमला? सूरज भान जी, आपको गौरी चाहिए कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? इस तरह डरा धमकाकर तो इस जन्म में नहीं जीत पाएंगे गौरी का दिल। अगर कहिए तुम अपनी गर्दन से खून निकाल कर ना कागज पर लिखकर दे देते हैं आपको कि वो कभी आपकी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे नहीं मानेगी गौरी कमला? देखिए, या हम समझाएं या हमारे बबलू जी, गौरी किसी की बात नहीं मानने वाली, क्योंकि उसके दिमाग में ना तो सिर्फ और सिर्फ शेख बसा हुआ है। अगर आप अभी यहां से नहीं निकले ना तो गुंजन अपने बापू जी की हालत देखकर कहीं सारा सच ना उगल दे। सूरज भान जी, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुंजन से ना हमने झूठ बुलवाया था कि घर के कागजात पर बापू जी के हस्ताक्षर है। अभी भी समय है सूरज भान जी, समझ जाइए। कमला रानी, लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो, जिंदगी भर शेर का रास्ता नहीं भटका सकती। और एक बात और, अगर शेर को भूख लगती है ना तो उसे लोमड़ी का मांस भी अच्छा लगता है। हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद हमारे जुबान से केवल फैसला सुनोगी। आई बात समझ में? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ठाकुर सूरज भान सिंह को ऊंची आवाज, लंबी जुबान और ना सुनना पसंद है। क्या बात है कमला, क्या बात है। दादी, आप प्लीज मत रोइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे दादी जी, आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए, ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है। कमला ने हमें समझा दिया और बुझा दिया और मना लिया है। अब हम जब तक गौरी नहीं आती तब तक हम इंतजार करेंगे, और अगर उसके आने के बाद फिर भी वो ना माने तो बिना हमें कष्ट दिए इस घर की चाबी जो है ना हवेली पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर सूरज भान सिंह को ऊंची आवाज, लंबी सुबान और ना सुनना पसंद नहीं है। आई बात समझ में? चलिए इंस्पेक्टर साहब।
दादी हिम्मत रखो, हम है ना जाओ। बाबूजी कुछ चाहिए था तो हम आ जाते। हे विंध्यवासिनी माँ, अरे हमारे बाबूजी को आपने ऐसा बना दिया कि बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते। मुन्ना क्या बताना चाह रहा है बेटा? ऐसे क्यों हाथ दिखा रहा है? बताना। अरे आप लोग बाबूजी को कुछ समझाइए। हम हमेशा ना इस घर का भला सोचते हैं और बाबूजी कि जब देखो तब हम पर शक करते रहते हैं। ये भी कोई बात हुई क्या? अरे बाबूजी आप कमला की ओर उंगली क्यों उठा रहे हैं? अरे कमला ने कुछ नहीं किया, बल्कि कमला की वजह से सूरज भान साहब ने हमें और मोहल्ला दे दिए। हाँ है ना दादी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा। बस बेटा तू सो जा आराम कर। ये विंध्यवासिनी माँ कभी इस बुढ़ों ने सब सुन तो नहीं लिया? हे भगवान, हे माँ विंध्यवासिनी, हमें तो लगता है ना दादी कि बाबूजी को लकवा के अलावा ना और भी कोई दूसरी भयंकर बीमारी लग गई है। भाभी ये सब ठीक नहीं है, अब हम चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। क्या हुआ गुंजन, क्या बताना चाह रही हो तुम? भैया वो बेचारी ना घबरा गई है बाबूजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब देखकर। हम समझाते हैं बेटा, चलो आ जाओ, शांत हो जाओ बेटा। मोहना तुम परेशान ना हो, माँ विंध्यवासिनी सब ठीक कर देंगे। ये आखिरी हिदायत दे रहे, दूर रहो हमसे। हमारे मन में कोई पाप नहीं, बात सिर्फ ये कि मैं गौरी को चाहता हूं और गौरी मुझसे। तुम जाते रहिए गौरी, लेकिन एक बात सुन के जाओ, जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं और तुम मेरे से झगड़ा करे जा रही हो, अंधी हो गई हो तुम, जो सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ पा रहा है तुम्हें। देखो देखो यही चाहती थी ना तुम। तुम्हारा रिश्ता क्या है शिव के साथ बोलो, अगर जानना चाहती है तो सुनिए। जो रिश्ता है सती का शंकर से, लक्ष्मी जी का विष्णु जी से, आपका भैया से, वही रिश्ता है हमारा शिव के साथ। स्वयं सती ने दोबारा जन्म लिया अपने शिव से मिलने के लिए, तो हमारी गौरी अपने शिव से कैसे अलग रह सकती? छा मेरी बच्ची, खोज ले अपने शिव को, छा अपने प्यार के पास। भगवान जी दो बार आ चुके घर खाली कराने के लिए, बस सुनकर बाबू जी को लकवा मार गया है। क्या तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हो? हम जानते हैं कि हमारी मंजिल शिव है। इस वक्त हमारे परिवार को हमारी ज्यादा जरूरत है मुक्ति।